दोस्तों, मैं तुहाडा अपना कुलदीप काइजा और दर्शकों अज जो मैं तुम्हें बना जा रहा हिंदुस्तान का बड़ा नाई पहलवानी जगत के पहलवान सिकंदर शेख महाराष्ट्र से आप अज जरूर भलवान जी कुछ सवाल जवाब करा कुछ हिंदी पंजाबी रीमिक्स करा तो जरूर इन्हों जीवन बारे प्राप्तियों बारे और जो पहलवानी किमें किमें शुरू की रिगार्डिंग जो आप सवाल करा असि अपना जी सब तो पहले तो साढ़े जो दर्शक है तुम इन्हों ये दसो कि जो जन्म स्थान तुम कितों जम्मे बने कितने रहने हो तो ये बारे जरूर दर्शकों को दसो जी। मेरा जो जन्म स्थान है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में सोलापुर जिला, मेरा पिंड है मोहर गाँव है, वहाँ का जन्म है मेरा और मेरे पापा दादाजी सभी वहीं के। ठीक है, तो अजकल रहायश उठी है या कितने अजकल रहायश? अभी आप कहाँ पे रह रहे हो आजकल? आजकल मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, उधर कहीं दिन रहता हूँ तो पंजाब में कहीं दिन रहता हूँ मैं, मुंडापुरा खड़े में। ओके, अच्छा पहलवान जी आप जे दर्शकों को बताइए रहे अपनी आपकी एज है, आपकी उम्र है, कितनी उम्र है इस टाइम? इस टाइम मेरी 22 साल शुरू है। 22 साल की एज है और पढ़ाई आपने कितनी की है? ग्रेजुएट चल रहा है अभी, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? ठीक है, अच्छा पहलवान जी आप बहुत बढ़िया पहलवान हो लेकिन इस फील्ड में आने से पहले आप मतलब आपके घर परिवार में कोई पहलवान था या जो आपको कैसे शौक लगा पहलवानी में आने का? मेरे दादाजी हैं वो बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं, मेरे पापा वो भी बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी भी बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं, इनके लिए मेरे को भी अखाड़े में डाला गया तो हम अखाड़े में सीखते सीखते, मेरे पापा जी बहुत दिनों तक तो मैं जब फिर 10वीं क्लास में था तब तक लड़ते थे। ठीक है, तो इनके साथ में जा जाकर मेरे को करवाने का शौक लग गया। अच्छा पहलवान जी कौन सा अखाड़ा है आपका वहाँ पे? मेरा कोल्हापुर में श्री गंगावेश शाहू विजय गंगावेश तालीम बोलते हैं वो अखाड़ा है, मेरे गुरु जो हैं, जो मैं मेरे गुरु को भगवान से ज़्यादा मानता हूँ, वो उनका नाम है विश्वास हरगुले। ठीक है पहलवान, अच्छा पहलवान जी आप जो पहलवानी में आए मतलब कितने टाइम से पहलवानी करते हो? क्योंकि जो आपका मैंने देखा बैकग्राउंड है आपकी एक पहलवानी परिवार से है तो मतलब जब बच्चे थे तब से लगे या पर्टिकुलर के 5 साल से 10 साल से लगा? ना मैं तो बचपन से लगा हूँ, बचपन से मतलब मेरा जन्म ही अखाड़े का है। अखाड़े का जन्म है, पहले वो घर पे ही अखाड़े का ही है तो बचपन से ही मेरा अखाड़े में रहता था तो उधर ही का अखाड़ा था। ठीक है, तो उधर मैं बचपन से करता था तो 2017 में मैं कोल्हापुर चला गया। ठीक है भाई, तो 2017 से लेकर अब तक मैं कोल्हापुर ही कर रहा। अच्छा पहलवान जी आपने जो जो कुश्ती आप लड़ते हो मिट्टी की बड़ी बहुत बड़ी लड़ते हो, मैट पर भी कुश्ती लड़ते हो? जी मैट पर भी लड़ता हूँ मैं, मेरा अंडर 23 में गोल्ड है, मेरा सीनियर नेशनल में भी गोल्ड है, महाराष्ट्र चैंपियन, मेरा यूनिवर्सिटी में गोल्ड है, मेरा हर जगह से मतलब मैं कॉम्पिटिशन लड़ा हूँ सब तरफ मेरा गोल्ड है। अच्छा एक बात बताना, आपके हर जगह मेडल है तो कोई जॉब वगैरह कर रहे हो? जॉब भी कर रहा हूँ मैं, अभी इंडियन आर्मी में हूँ। इंडियन आर्मी में कौन से रैंक पे हो? मैं अभी हवलदारी में हूँ। हवलदार कर रहा हूँ, ओके ओके ठीक है। अच्छा पहलवान जी फिर तो आप मतलब आर्मी की तरफ से भी लड़ते होंगे? हाँ आर्मी की तरफ से भी लड़ता हूँ मैं और हर जगह भी लड़ता हूँ। अच्छा पहलवान जी एक मशहूर है कि जो महाराष्ट्र के पहलवान है उनका दंगल बड़ा मशहूर है महाराष्ट्र के लिए जी, जो एक बड़े लेवल का इवेंट होता है, आप कितनी बार महाराष्ट्र के लिए लड़े हो? मैं 3 बार लड़ चुका हूँ। 3 बार आप महाराष्ट्र के और फाइनल तक जा चुका था, फाइनल में प्रॉब्लम हो गया, फाइनल में हार चुका हूँ। अच्छा फाइनल में आप तीनों टाइम फाइनल में आप हार चुके हो? अच्छा पहलवान जी इस बार मैंने भी कुछ देखा था थोड़ा सा कुछ पॉइंट सिस्टम का जो मतलब आपका चक्कर पड़ गया था कोई रौड़ा हो गया था तो वो क्या सॉल्व हुआ उसका कुछ है? वो तो सॉल्व नहीं हुआ है कुछ,
मतलब एक बार जो कंपटीशन होता है तो होता है। वो तो उसके जो अभी शिवराज है, शिवराज के खाते में चला गया। ओके ठीक है, अब उसको कोई हम बदल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम अगले साल लड़ेंगे ये सोचकर बस चल रहा हूँ। आप ये सोच के लड़े इस बार तो अगले साल के लिए महाराष्ट्र केसरी का टाइटल आपने जीतना ही है। अच्छा, जो महाराष्ट्र केसरी का टाइटल है वो जीतने का जो गर्व है, जो मान सम्मान है, वो भी एक बार दर्शकों को बताना। महाराष्ट्र केसरी का जो टाइटल है उसका गर्व जब आता है ना, तो मैं ओलंपिक लड़कर आऊँ ना तभी महाराष्ट्र में मेरे को उसका उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना महाराष्ट्र केसरी बनने के बाद मिलेगा मेरे को। ठीक है, और इस बार कितने नाम थे उसके? इस बार थार गड्डी थी। हाँ। जो कमेटी की तरफ से आता है ऐसे। हाँ। थार गड्डी थी, 5 लाख रुपए प्राइस थी। ओके, और जो बाहर का आता है तो अलग से है। अच्छा, पहलवान जी मैंने देखा कि इनाम बहुत थे, लेकिन एक बात बताना, महाराष्ट्र केसरी के लिए जैसे हमारे पंजाब में भी चलता भाई, हम भी करवा सकते हैं, है ना, अगर पूरी विजुअल पैक इकट्ठी हो तो पंजाब केसरी ऐसा टाइटल करवा सकते हैं, लेकिन मैं देखा कि जहाँ पे पहलवान थोड़ा सा कम लड़ते हैं वहाँ पे क्या ऐसा, मतलब सिनेरियो क्या ऐसा है कि महाराष्ट्र केसरी लड़ते ही लड़ते हैं बंदे? वो लड़ना ही पड़ता है, नहीं तो उधर बंदा पहलवान ही नहीं मानते। अच्छा, नहीं पहलवान ही नहीं मानते, जितना मर्जी बड़ा रुस्तम हो जाए अगर वो महाराष्ट्र की सीट नहीं लड़ता तो उसको पहलवान ही नहीं मानते, अगर कंपटीशन भी नहीं लड़ा, लड़ा नहीं तो पहलवान ही नहीं होगा। हाँ। अभी मैं जितना भी मर्जी बड़ा हूँ दुनिया के लिए, जितना मर्जी बड़ा हूँ। हाँ। लेकिन मैं जब तक वो महाराष्ट्र के सीट कॉम्पिटिशन जीतता नहीं तब तक मैं पहलवान हूँ ही नहीं। दर्शकों देख लो, ये कह लो भी हिंदुस्तान के बड़े रुस्तम चला हुआ बस कंदर शेख का, पर कहना जे मैं महाराष्ट्र केसरी नहीं बनया तो मेरा पहलवानी करता एक किस्म तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी जोड़ा है मान लो भी जो रिस्पैक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो बाकी भलवान जी तुम पंजाब दे विच आए, पंजाब दे विच आके तुसी उन्हां बड़ा नाम कटिया है ना, तो जेडे दंगल जाने बहुत प्यार मिलता है। अच्छा पहलवान जी, इस पंजाब को हम लेके आने वाला कौन? पंजाब में मेरे को लेके आने वाला पहली बात तो गोलू है, जो गरीबदास अकाड़ी के कोच हैं, उन्होंने मेरे को पहली बार लेकर इधर सचिन पुजारी जो हमारे महाराष्ट्र के हैं उनकी जगह बनती है, तो उन्होंने मेरे को लेकर आने के लिए कहा, तो गोलू गुरु जी ने मेरे को कुश्ती इधर सूत्र बांधी, मैं जीता गया, मेरा नाम बना दिया उन्होंने अच्छी तरह। ठीक है, और पहला दंगल कौन सा था जो पापा आए थे सर? मेरा पहला दंगल था हिमाचल में, जब मैं परिवार के साथ पहली कुश्ती हुई थी उसके बाद आप आए थे बाबा फ्लाई में, उसके बाद तो आप मतलब जहाँ पे पक्के तौर पर ही आ गए, घर हो गया, मतलब यहाँ पे अभी आप एक दो दंगलों के लिए आए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कब आ रहे हो? नेक्स्ट टाइम मैं मई में आ रहा हूँ, इधर मई के एक या दो तारीख में आ रहा हूँ, एक मई के आसपास आप आ जाओगे जी, मतलब तो हिमाचल के दंगल जब चलते हैं। हिमाचल के चलते। अच्छा पहलवान जी, एक सवाल और है, जो बहुत से दंगलों में मैं जाता हूँ, बहुत से फोन भी आते हैं मेरे को कि जो सिकंदर शेख है ये कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, ये बड़ा लोग पूछते हैं कि ये कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है जी। उन लोगों को एक ही सवाल बता सकते हो आप, क्योंकि पहलवान की कास्ट जो है वो एक ही होती है, जो पहलवान यही कास्ट है, यही धर्म है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसके ऊपर कुछ जीरो है, जीरो है, मैं नहीं एक हर किसी पहलवान के बारे में। क्योंकि मैंने ये आपको क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि मेरे को बहुत से बंदे पूछते हैं, मैंने गुरु को कहा कि मैंने बोला भी कि सिकंदर जो है वो बोलता है कि जो मेरी कास्ट है, जो मेरा जात है, धर्म है, वो एक ही है पहलवान है, इसके आगे सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो है। अच्छा पहलवान जी, कितने इनाम आपने इस जो दंगल होते हैं पंजाब में कौन कौन से इनाम आपने जीते हैं? ये तो बता नहीं सकता मैं कौन कौन से, बड़े बड़े बता दो, याद नहीं है मेरे को, बस ट्रैक्टर अल्टो और बहस भी जीती है मैंने, गाड़ियाँ बुलेट बहुत सारी जीती हैं। अच्छा कैसा लगा, आपको उम्मीद थी कभी के पंजाब के ऐसे दंगलों में आप भी राज करोगे, इतना इनाम आपको मिलेगा? ना मेरे को तो ऐसे कभी उम्मीद नहीं थी, या मेरे को 2016 17 18 19
19 तक मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं पंजाब लड़ूंगा, हरियाणा लड़ूंगा, बाहर भी जाके लड़ूंगा, वैसे ऐसे कभी उम्मीद नहीं पकड़ी हुई। और आज पंजाब घर आज मेरे मेरी फैमिली सी बन गई है, अभी बिल्कुल फैमिली बन गई है। अच्छा चलो, परमात्मा आपको तरक्की दे और तरक्की दे। अच्छा पहलवान जी, कुश्तियाँ तो आप सभी से लड़ चुके होगी जी, कोई ऐसा नहीं है कोई कोई बच्चा हो बड़ा हो जैसा कैसा पहलवान हो आपने कुश्तियाँ लड़ी जी, ठीक है। लेकिन सबसे आपको डिफिकल्ट जो है मतलब मुश्किल लगता है कुश्ती लड़ना, क्योंकि कभी कभी होता है 1-2% 10% आपको किसके साथ कुश्ती लड़ना मुश्किल लगता है? ना मेरे को तो आज तक कोई कुश्ती मुश्किल है किसके साथ लड़ना मुश्किल लगा है। किसके साथ भी मतलब जैसे होता है कि यार इसके साथ थोड़ा सा मेरे को डिफेंसिव रहना पड़ेगा, या इसके साथ मेरा जोर ज्यादा लगेगा, या इसके साथ मैं अगर पॉइंट पे जाऊँ, वैसे तो आप सोचते नहीं, लेकिन होता है कि 1-2% 4% आपको मतलब कभी दिमाग में आया हो? नहीं, मेरे दिमाग में 0% आता है एक ही। हाँ, ये कभी भी मेरे आता नहीं है, क्योंकि मेरे से अभी देखना कि पंजाब में हो या महाराष्ट्र में हो, मेरे से कम 30-40 kg से ऊपर है वजन से, तो मेरा भी 94-95 kg। तो अच्छा, जब पूरे फिट होते हो तो कितना हो जाता है जब बुढ़ापे हो? हाँ, मतलब के 100 से ऊपर कभी नहीं है, 100 से ऊपर कभी वेट नहीं है, 100 से ऊपर जाता नहीं, 100 ही रहता है। तो सभी के साथ मैं लड़ सकता हूँ, मेरे को ऐसे नहीं लगता है कि मेरे को इसके साथ कुश्ती तो थोड़ा सा ए जाएगी, मतलब दिमाग में लेते नहीं कि ये अच्छा लड़ता है या कभी मैं दिमाग में लाया नहीं, बस मेरे को जाना है, लड़ना है, मारना है, इतना ही दिमाग में होता है, इतना ही दिमाग में होता है। अच्छा पहलवान जी, जहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत लगती है, खुराक लगती है, परिवार वालों का जो बड़ा करो, अगर एक बंदा सिर्फ जीरो से पहलवानी शुरू करे तो हमारे पंजाब में कहा होता है कि घर खिलाना पड़ता है, घर खिलाना पड़ता है तब जाके एक पहलवान हो सकता है, फिर भी शोर नहीं है पहलवान हो जाएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं, जो खलीफे लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, बोलते हैं कि घर खिलाना पड़ता तब जाके पहलवानी नसीब होती है। तो आपकी जो डाइट है जब प्रैक्टिस है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, आप ज्यादा क्या करते हो, जिम जाते हो, टेक्निक करते हो, जोर करते हो, और खाने में क्या करते हो, पहले प्रैक्टिस के बारे में बता दो। प्रैक्टिस के बारे में मतलब अभी मैं करता हूँ देसी मेहनत, ज्यादा से ज्यादा देसी मेहनत करता हूँ, जैसे कि ठीक है जो सबको पता नहीं चलेगा जोर, हाँ जो दर्शकों को बता देता हूँ, जोर जो होते हैं वो होते हैं लाइक अखाड़े में जो दूसरे पहलवान होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं, उसको हम जो पहलवानी लैंग्वेज है उसमें जोर बोलते हैं कि जोर करते हैं, टेक्निक लगा लो एक दूसरे के साथ टेक्निक करना। हाँ जी पहलवान, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मिट्टी में जोर ही करता हूँ, ठीक है, 3-4 अंगों से जोर करता रहता हूँ, एक को खींचना, एक दूसरे ऊपर उसको खत्म करके दूसरा लेना, दूसरे को खींच के ऊपर कर देना, ऐसे 3-4-5 बंदे में खींच कर ऊपर लगा लेता हूँ, फिर से सब उठक बैठक बहुत ज़्यादा लगा। कितनी टाइमिंग रहती है प्रैक्टिस की? एक टाइम की मेरा सुबह की शुरू होती है 4:30 बजे करेक्टली, ओके, और शाम खत्म होती है मेरी 8:30-9 बजे मेरी खत्म हो जाती है सुबह में, ठीक है जी। तो उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह पूरा ब्रेकफास्ट लेकर रेस्ट, खाना पीना खाकर रेस्ट करता हूँ मैं, 12 बजे पूरे 12 बजे में सो जाता हूँ, ठीक है। फिर उतना ही 3 बजे उठकर मैं 3:30 बजे को फ्रेश होकर 3:30 बजे मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी शाम। हाँ, और कितना टाइम चलता है? 3:30 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई तो मेरा 9-9:30 बजे तक मेरी प्रैक्टिस चलती है, मतलब मान के चलो 5-6 घंटे आना पास से करते हो, ठीक है। और अब बताओ खाने की डाइट की? डाइट की तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मीठी खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को बचपन से ही आदत है मीठ खाने की, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मीठ घी मक्खन दही यही होता है, मतलब जैसे कि प्रॉपर पंजाब में जो डाइट लेते हैं हर कोई, वही प्रॉपर मैं महाराष्ट्र में पहले से लेते आ रहा हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, बहुत सी दुनिया आज के दिन में चलती है, कोई बोलता है प्रोटीन वगैरह लटरस मतलब मतलब बहुत से लोग समान भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जे सप्लीमेंट
सप्लीमेंट और स्टीरॉइड मतलब है तो बड़ा, अगर हम चीज़ों को बरीकी से ले तो फर्क तो बड़ा है, फर्क तो बड़ा है ना। सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है और जो बंदे लेते हैं मतलब स्टीरॉइड वगैरह लेते हैं या कोई मतलब इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, तो आप उन चीज़ों को मतलब कैसे मतलब हैंडल करते हो दिमाग में कि ये चीज़ सही है ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए मतलब क्या लेनी चाहिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बोलता है, अगर हर कोई बोलेगा कि भाई तू स्टेरॉइड लेता है तू इंजेक्शन लेता है या कुछ लेता है, भाई इन बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ना लूंगी तो कहेंगे भाई तू लेता ही है, यही कहेंगे। बस हमें उस बातों को इग्नोर करना है और हमें जो चाहिए अभी प्रोटीन है वो हम प्रैक्टिस करने के बाद या हम बहुत ज़्यादा थकान आने के बाद वो हमें रिकवर करता है, प्रोटीन जो है उस हमें लेना ज़रूरी है, या टैबलेट्स हैं जो हमारे जोड़ों में दर्द है या हमारे अंदर कुछ प्रैक्टिस करते हो कितने चोटें आती हैं कि उन्हें ठीक सा रखने के लिए टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है, रिकवरी के लिए लेनी पड़ती है या जोड़ों के लिए लेनी पड़ती है, थकान के लिए लेनी पड़ती है। इन चीज़ों को जो हम लेते हैं उन चीज़ों को उन्होंने बनाया भगवान पूरा समान। दर्शकों मैं अपना दिखा टुकड़ी जाना थे बहुत से मतलब छोटे टायर वाहन लगा लो ऐसे भी हैं, मान लो कुश्ती से पहले अगर किसी ने बॉफरिन जो एक दर्द का मतलब टीका इंजेक्शन होता है अगर वो भी लगाता देख लिया तो वो भी बोलता है कि इसने गलत टीका इंजेक्शन लगाया लाइक टर्मन एंड वगैरह, मतलब ऐसा जो टीका लगाया नहीं है, अगर किसी ने दर्द वाला टीका भी अगर किसी ने लगाया हाँ वो ये भी नहीं कर सकते कि सारे के सारे मतलब अच्छे ही हैं, मतलब ये आ रहे हैं टर्मिन है तो जो भी है और खट खट जो भी आ रहा है मतलब ये नहीं कह सकते कि हम पूरे प्रण लगा ही रहे हैं। 100 में से 1% तो लड़का लगा रहा है, 100 में से लेकिन 99% लड़कों का नाम खराब है कि वो लगा रहा है। अच्छा बहुत से बंदों को ये पता ही नहीं, आपने जैसे पहले बताया कि हम वो चीज़ दें हमको पता होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, अगर वो जहर है तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि ये 10% जहर है या 100% जहर है, हम ले क्या रहे हैं, मतलब अगर अच्छी चीज़ है उसकी भी हमको नॉलेज होनी चाहिए, अगर बुरी है तो उसकी भी हमको नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ लेनी ही नहीं है जिसमें 1% भी जहर हो वो लेनी ही नहीं है, जो अच्छी है हमारे भाई हमें कोई नुकसान नहीं है या हमें कोई टोके ऐसी कोई बात नहीं है, वही चीज़ लेनी है जो मैंने बताया आपको प्रोटीन फिश ऑयल ये जो है ये ठीक बढ़िया है क्योंकि हमारे को वो ठीक रखती है, सप्लीमेंट जो है हमें जो लड़ते हैं हम इतना पसीना निकलता है या हमें कहीं घूमने जाना होता है हम अब 2-3 महीने से लगातार घूमते रह रहे गाड़ी में तो पूरा हम बॉडी है हमारी यार ये तो थक ही जाएगी। अभी नॉर्मल सा बंदा देख लीजिए एक 1000 किलोमीटर का उनसे सफर करवाइए तो 8 दिन बेड पर से नहीं उठेगा, सही बात है ये बात है, तो हमें तो हर रोज 1000 किलोमीटर और कुश्ती और उसमें कुश्ती लड़नी है और बाद में कमेटी से भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी दिमाग लगाना है। अच्छा जहाँ से मेरे ना मेरे को एक और दिमाग में बात आई है, आपने बोला 1000 किलोमीटर भी करना ठीक है और उसके बाद कुश्ती भी लड़नी है, उसके बाद आप कितनी कमेटियों से कुश्ती लड़ते हो दिमाग की? हर रोज कमेटी से दिमाग में लड़ना पड़ता है, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, बस जरूरत कभी नहीं पड़ी मेरे को पंचायत में किसी कमेटी से कुश्ती लड़ने की, मेरे को कभी मतलब जो नॉर्थ में बोल सकते हो आप इधर है हिमाचल है जम्मू है जो भी है इस साइड मेरे को कभी भी कमेटी का मतलब ये नहीं आया कि उनसे लड़ना पड़े मेरे को जो मांगा वो दे दिया मिल जाता है, मतलब कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट टाइम आप पंजाब में आ रहे हो एक मई से तो आपकी कुश्तियों के लिए फोन तो आएंगे हम, लेकिन वो किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? वो तो वो डोगरी जी से करेंगे या हैप्पी से करेंगे, ये 2-3 जो बंदे हैं जिसे करेंगे क्योंकि मेरे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट तो कोई नहीं सकता है। अच्छा ये भी बात बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे फोन में मेरे घर के और हैप्पी गुरु जी के ये जो है यही नंबर सेव है और दूसरे अब सारे किसी का भी अनवान नंबर कॉल आए भी किसी का कॉल उठाता नहीं उठाता है तो इसका रीजन भी है कुछ
इसका रीजन भी बहुत सारा है। बताओ जरूर। वो नहीं बता सकता हूँ मैं। ठीक है, इसका रीजन बता नहीं सकता। लेकिन दर्शकों मैं थोड़ा जरूर बता ना कि उसको बंदा पहलवान नहीं करता है, कोई प्रैक्टिस का टाइम है, कोई सौन का टाइम है ना। तो जो दर्शक है, जो कह लो फैंस होंगे, शायद नहीं पता होंगे भी कि टाइम फोन करना या नहीं करना है। अगर मेरा सिकंदर फोन चुकन लग जाए सब का, तो दिन के 1000-2000 फोन तो आ ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा पहलवान जी एक बात और है, तो पीछे जो एक आप पठानकोट के पास जो आपको भी बताया ना, वो हो गया था कि एक भाई साहब आए हैं तो आपके फैमिली थे, तो वो आपके पास आए, उन्होंने उठाया, तो उसी मतलब कश्मकश में थोड़ा सा हो गया था ना पगड़ी वाला काम। तो आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम जो मैं तो ये मानता हूँ कि बंदे का जो दिमाग है वो नर्वस हो जाता है, वो मतलब जोर ज्यादा लगे होते हैं। नर्वस नहीं होता है गुरुजी। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो? फैंस हैं उनके लिए मेरे पास कभी भी प्यार ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम कुश्ती लड़ते हैं और वहाँ पे मेरी कुश्ती थी साहिल कुली के साथ, साहिल के साथ, और वो बंदा भी अभी अभी आया है, बढ़िया हुआ है। बिल्कुल, तो वो उधर मेरा ज़्यादा जोर लगा था। अभी देखना जो भी है, मैं रहूँ या और कोई भी प्लॉट है, बिल्कुल किसी का भी बंदे का दिमाग जगह पे नहीं होता है। बिल्कुल, लड़ने के वक्त दिमाग पूरा गर्म सा हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पास कौन आया है। मैं यहाँ तक कि मेरा गुरु भी मेरे पास आए तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैं उन्हें भी छिड़का के लगा देता हूँ। ठीक है, तो उस बंदे का मेरे मेरे पास आया, उस मेरे 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 दिल में कुछ नहीं था छोड़िए। हाँ, मतलब वो दब में पूरा ही फ्लैट हुआ था, कुश्ती भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए वो मेरे तरफ से गलती से हो गया था। मतलब उस बंदे की भी कोई गलती नहीं थी, उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, इसलिए वो मेरे पास आया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी ऐसे कोई गलती से मतलब किया था मैंने, मतलब ऐसे जानबूझकर किया नहीं था। वो वैसे खुश हो गए तो छुड़ाने के चक्कर में हो गया, छुड़ाने के वो तो चलो। लेकिन जो दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब पहलवान कुश्ती लड़ता है उसके बाद थोड़ा सा दिमाग जोर भी लगा होता होता है तो दिमाग काम नहीं प्रॉपर करता। ठीक है, कौन है आसपास पास जेब नहीं पता लगता और भीड़ ज़्यादा आ जाती है तो बंदा पहले ही कन्फ्यूज हो जाता है बाहर पे। तो दर्शक भी इस बात का ध्यान दें कि ठीक है फोटो वगैरह करवानी है बाद में करवा सकते हैं, पहले करवा लो। ठीक है, थोड़ा सा पहलवान भी क्योंकि हर कोई प्राइवेसी भी मतलब चाहता है कि मेरे को प्राइवेसी भी मिले। बहुत से बंदे तो ऐसे होते हैं जैसे कुश्ती लड़े उसके बाद ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं, तो जो दर्शकों को भी चाहिए कि हाँ जो फैंस होते हैं उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ ना, इधर के मैंने अब तक दो साल के दंगल में लड़े हैं इधर के। मैं पहली बार आया था, फिर सेकंड टाइम पिछली बार आया था, तो आता जाता भी रहता हूँ बीच में दंगल के लिए। बिल्कुल, तो मेरे को पंजाब में तो इतना प्यार मिलता है कि मेरे जिससे कि मेरे घर पे मम्मी पापा प्यार करते हैं वैसे मेरे को पंजाब में प्यार मिलता है। सुबह से घूम रहा हूँ, गड्डी लेकर मैं सुबह से घूम रहा हूँ। पंजाब मेरे को बहुत दिनों से देखा नहीं, 2-3 महीनों से देखा नहीं। मैंने बोला भाई मेरे को थोड़ा सा घुमा कर लेकर आ, हम घूमेंगे पटियाला थोड़ा सा इधर उधर। हम इधर गुरुद्वारा भी गए थे। ठीक है जी, फिर गुरुद्वारा में उधर भी हमने जाकर आए सब, मतलब मेरे को देखना अच्छा लगा। ठीक है, बहुत दिनों से घूम। अच्छा अभी ये हिमाचल का सीजन आने वाला है, मेरे को ये तो लगता ही नहीं कि सिकंदर ने ये सोचा होगा कि भाई तैयारी कर ली है। आप क्या सोचते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सीजन जैसे आप आए अगस्त में पंजाब के जो जंगल चलते हैं, ठीक है, तो हिमाचल के भी जंगलों का सीजन थोड़ा सा अलग होता है। अभी जो है कांगड़ा हमीरपुर वाला सीजन शुरू हो ही गया अभी से। जी जी, तो आप क्या सोचते हैं कि कोई डिफरेंट तैयारी करनी है या तैयारी है? किसी मेरी तो तैयारी फुल है, पूरी 12-30 दिन तैयारी रहती है, पूरी तैयारी मेरी रहती है। मैं हर रोज प्रैक्टिस, कभी मेरे दंगल हो ना हो मैं कोई प्रैक्टिस के मामले में पीछे नहीं रहता हूँ। रही बात में तो मेरी प्रॉपर तैयारी रहती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
वो महाराष्ट्र केसरी के प्रॉपर तैयारी से मेरी ना मैं अखाड़े से बाहर होता हूँ ना कोई कुश्ती पकड़ता हूँ प्रॉपर तैयारी करना प्रॉपर डाइट लेना बिल्कुल 3 महीने का रहता है। अच्छा पहलवान जी आपने बता दिया दंगलों के बारे में बता दिया कुश्ती के बारे में बता दिया लेकिन हमारे दर्शक थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि जो आपका कोल्हापुर में खड़ा है वहाँ पे कौन कौन से पहलवान हुआ आपसे पहले या अभी से जो बढ़िया पहलवान हुए हैं वो कौन कौन से हैं और अपने जो गुरु जी हैं उनके बारे में जरूर बताना कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं कितने बजे करवाते हैं उनकी नेचर कैसी है उसके बारे में भी जरूर बताना। मेरा अखाड़ा है कोल्हापुर गाँव में जो सबसे पुराना है आपने सबने सुना होगा श्री शाहू महाराज ठीक है शाहू महाराज जो उधर के इधर के जो महाराज थे उधर जो महाराज थे शाहू श्री शाहू बोलते हैं जो उन्होंने वो अखाड़ा बनाया ठीक है और महाराष्ट्र में कुश्ती शुरू भी उन्होंने करवाई थी ओके तो उन्होंने मेरा वो अखाड़ा बनवा कर पहले हमारे घरवानों को उधर रखा बहुत पुराना मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है तो मैं जानता हूँ यहाँ तक तो मैं मेरे जो पिछले बैच की योगेश गुम्बाड़ रहे सचिन दामदार रहे या अन्ना कोड़ेकर रहे विजय गुटाल रहे इन सभी को अब तो जानते हो क्योंकि एक दो कुश्ती पंजाब में भी लड़कर गए हैं ठीक है उनके पिछली बैच की वो थी असलम का जी को हर कोई जानता है नितिन खुर्दर को हर कोई जानता है ये इतने बड़े पहलवान हुए हैं कि वो पंजाब में तो नहीं लड़े लेकिन महाराष्ट्र में और इतनी ज़्यादा और इतना मतलब लोगों के दिल में प्यार कर गए थे कि वो बता नहीं सकते इतना प्यार कर गए ये उसकी पिछली बैच थी जो उसके और जो बहुत सारे अच्छा कितने पहलवान ऐसे हैं आपके खड़े में जो महाराष्ट्र के खिताब जीत चुके हैं हमारे अखाड़े के पूरा 11 टाइटल है 11 टाइटल जी हमारे अखाड़े के पूरे 11 महाराष्ट्र के स्टेट हिंदी कुश्ती के पूरे 11 टाइटल दीनानाथ सिंह हमारे अखाड़े के और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नम पहलवान हैं जो हमारे अखाड़े के हैं और रहे गुरु जी हमारे हाँ जी तो हमारी प्रैक्टिस मतलब उनके पास से अभी 2 या 3 बैच चली गई हैं पिछले 25 सालों से वो हमारे गुरु जी इसके पहले ये बोल के जो हैं सुखी श्रीपति और खेड़ कराना हमारे इधर सभी को मतलब कोच हैं कोच को अन्ना बोलते हैं अच्छा कुछ को आप हाँ अन्ना महाराष्ट्र में जो वहाँ पर हमारे जाते हैं फिर हमारे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से तो मेरे पास सिर्फ हमारे ईश्वर दादा ही हैं हम दादा बोलते हैं सर में उनका नाम है विश्वास हरगुले ये नाम है उनका सर में लेकिन हम उन्हें ईश्वर दादा बोलते हैं अच्छा कुछ साहब बारे में बताइए कि वो मतलब प्रैक्टिस करवाने का कोई मेथड है तो कितने बजे उठाते हैं और स्वभाव कैसा है हम ये बात है कि हम 4 बजे खुद ही उठ जाते हैं सारे बच्चे मैं मौली प्रकाश रहा भैरव रहा और भी मौली कौन सा मौली जमताड़े वो हाँ आपकी खड़े हाँ मेरे इधर खड़े का हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और प्रकाश भी अच्छा प्रकाश भी आपके हाँ प्रकाश बनकर जो मेरे अखाड़े का ही है बहुत अच्छा लड़का अच्छा बड़ा अच्छा लड़का है लेकिन दर्शकों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो पिछली बार प्रकाश बनकर से ही महाराष्ट्र के सी में पहलवान हारा था जी तो महाराष्ट्र के सी वही फाइनल में वही मतलब फाइनल में हारा था ये देखो एक ही अखाड़े में जोर करते हैं प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वहाँ पर जी कुश्ती लड़े और वो चलो किस्मत होती है कि वहाँ पर प्रकाश बनकर जीत गया जी अच्छा आगे पहलवान आगे जो हमारे गुरु जी हैं हाँ जी वो हमारे अखाड़े के पास से 25 किलोमीटर दूर पर रहते हैं ठीक है जी उनके पास है SS 100 2 व्हीलर है SS 100 2 व्हीलर है उस गड्डी से रोज सुबह 3 बजे घर से निकलते हैं मॉर्निंग में सुबह 3 बजे घर से निकलते हैं 4:30 बजे अखाड़े पे पहुंच जाते हैं 4:30 बजे से लेकर फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है हर रोज डेली वो ठंड धूप
बारिश कुछ भी हो वो हर रोज रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, सुबह में आते हैं, शाम की प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते हैं। ओके, हर रोज डेली का उनका ये शुरू होता है। ठीक है पहलवान। अच्छा पहलवान जी, एक बात और है, जो पंजाब हरियाणा के पहलवान होते हैं, जो पुराने पहलवान थे, मैंने कहा भी सुनी है कि जब भी किसी के साथ कुश्ती लड़नी हो, थोड़ा सा बंदा मतलब प्रैक्टिस करनी हो, वेट बढ़ाना हो, तो बोलते थे कोई बात नहीं, एक महीने के बाद कुश्ती लड़ूंगा, कोल्हापुर जाकर आता हूँ। तो जे मतलब क्या कोल्हापुर में क्या ऐसा है? जो बोलते हैं ना, बोलते हैं जो कोल्हापुर का पानी है वो भी ठीक जितना काम करता है, जितना मतलब इस मतलब जो है मिथ है जो बोलते हैं उसमें क्या मतलब राज का छुपा है? पहली बात तो कोल्हापुर एक ऐसा शहर है जो सिर्फ पहलवानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो पहले से मतलब जो राजा महाराजाओं के तरफ से तो आ रहा है ना, तब से वो चला रहा है परंपरा, जो पुरानी परंपरा होती है वो अभी भी चल रही है। अच्छा, अभी भी चल रही है, अभी भी पूरी की पूरी वैसी ही है, कुछ बदलाव नहीं है पुरानी परंपरा में। जो अभी सिटी बन जाए तो पुरानी परंपरा छोड़नी, अभी नई परंपरा को शुरू करते हैं, वैसे नहीं है बोला, पुरानी ही लेकर बैठते हैं हर लोग। हम भी मतलब मैं भी इतना स्टैंडर्ड नहीं हूँ, बस सीखा हूँ कुछ, इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन बता रहा हूँ मैं भी पुराने ख्याल का ही रहता हूँ। तो हमारे उधर इनको भी अपना पानी को भी जितना माफ होता है मतलब उससे पावर होती है ससुराल माहिर मतलब बोलते ना, बोलते इधर क्या बोलते लड़की घर आने के बाद माहिर को आगे मतलब क्या बोलते ससुराल, और पति के घर जाती है ससुराल जाती है माइक माइका, जो हमारे वो माइक है। कितने खड़े चलते हैं कोल्हापुर में? कोल्हापुर में कम से कम 20 खड़े चलते हैं, 20 खड़े चलते हैं। और अच्छा, अगर कोल्हापुर पहुंचना तो दर्शकों को बताओ कैसे पहुंचना है? चंडीगढ़ से डायरेक्टली पुणे की फ्लाइट ले लो, पुणे से गाड़ी ले लो कोल्हापुर के लिए। कितना दूर है पुणे से? पुणे से 250 किलोमीटर पड़ेगा, 250 किलोमीटर मतलब जितना चंडीगढ़ से दिल्ली पड़ता है उतना आगे आपको बाय कार बाय ट्रेन जा सकते हो। जो भी हो कोल्हापुर जाकर कोल्हापुर में आप बस स्टैंड पे आ जाओगे, गंगा विश अखाड़ा बोलोगे कोई भी इलाका छोड़ देंगे। अच्छा मौसम कैसा है वहाँ? मौसम अभी देखना, पंजाब में हरियाणा में दिल्ली में मैंने देखा है ठंड के दिनों में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हाँ, और धूप के सीजन में बहुत ज़्यादा धूप, बारिश का तो नाम नहीं, हाँ। कभी कभी होती है, होती है कुछ टाइम पीरियड है, कुछ टाइम मतलब एक दो महीने, हाँ। वैसे हमारे इधर तीन ऋतु होते हैं मतलब बारिश ठंड और धूप, उधर ज़्यादा से ज़्यादा धूप होती नहीं, नॉर्मली होती है, ठंडी में भी वही ऋतु रहेगा, मतलब एक जो है मतलब जो है मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा ठंडा ना, हाँ मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इतना इतनी ज़्यादा होती है कि घर भी ले जाते हैं। ठीक है पहलवान जी। अच्छा पहलवान जी, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं पहलवान, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जरूर मैं उनको ही, क्योंकि बहुत से नए बच्चे नए पहलवान ऐसे होते हैं जो हर किसी पहलवान को अपना आइडल मानते हैं, आपको भी आइडल मानने वाले पहलवान होंगे, उनको जरूर आप मतलब जो आपके दिल में है अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर बताएं। जरूर बताना चाहूँगा मैं, जो अभी के बच्चे हैं जो पीछे के आ रहे हैं, जो रेस में है, जो बोलते हैं ना ये रेस का घोड़ा चल रहा है, ये जो पूरे के पूरे पीछे के बच्चे अभी हम हैं, हमारे पीछे भी कोई आएगा, उनके पीछे भी कोई आएगा, तो सारे बच्चों को बस यही बताना चाहूँगा कि रातों रात कोई पहलवान नहीं बनता है, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर गुरु का आशीर्वाद देना पड़ेगा, तब जाके कभी पहलवान सालों साल कभी में वो पहलवान बनता है, एक दिन में कोई पहलवान ना बनाने ना बनेगा, रातों रात कोई स्टार बनेगा, कोई नहीं स्टार बनेगा। जैसे आप भी मान लो 15-17 साल आपको मतलब जन्म से ही आप, मैं जन्म से ही अखाड़े में हूँ, जन्म से ही मैं बहुत तपस्या में हूँ, मतलब लगा रहा हूँ बस। 2019 में मेरे को कामयाबी मिली है,
बस इसके आगे भी थोड़ा थोड़ा आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सभी मेरा अच्छा चल रहा है, आगे भी चले। बिल्कुल दर्शकों के मन टाइम इस गल ध्यान दो भी रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है, मेहनत तो लगानी पैनी है, खाण पीने का जरा सही टाइम टेबल सही खाना ये बहुत जरूरी चीज़ें, तुम कोई भी गलत चीज़ा है ना कोई इदा दीज़ा ना वरतो जिद कल बॉडी में नुकसान हो गए बाद परिवार को नुकसान हो गए, ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा चंगी चीज़ खाओ और चंगा रिजल्ट लैन चंगी मेहनत भी करो, ये नहीं है मेहनत करनी नहीं आपने गलत चीज़ लैनी है वो रातों रात स्टार है जो गलत साबित हो सकता तो भाज तुम साढ़े चैनल को है ना तो सपोर्ट कर रहे हो, ये असं इंटरव्यू जीडिया शुरू की तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम दिता परमात्मा तुम चढ़ती कला च रखे आने वाले टाइम के होगी जरा तरक्की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।